हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर एंड केयर विद माया। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ये मेंदू वड़े की रेसिपी। ये जो वड़ा है वो काफ़ी अच्छा है और ऐसे भी इसे चटनी के साथ खा सकते हैं। नारियल की चटनी, ग्रीन चटनी या सांभर के साथ बना दे तो मेंदू वड़ा हो जाए, या इसी वड़े से हम दही वड़ा भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ये मेंदू वड़े की रेसिपी, और साथ में हम दही वड़ा भी देखेंगे कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, और ग्रीन चटनी भी बनाना सीखेंगे। और ये ग्रीन चटनी जो है वो बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो, मेंदू वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया था ये वाइट कलर के उड़द के अखे उड़द। एक्चुअली ये ऐसे उड़द की दाल हम यूज़ करती हूँ मैं हमेशा, बट इस बार मुझे मार्केट में ये होल उड़द मिल गया था बिना छिलके वाला, जो हम इडली और वड़ा सांभर के लिए जो भी यूज़ करते हैं डोसे के लिए, तो वैसा ही मैंने ये बड़ा पैकेट लेके आ गई थी दाल का, अखा उड़द बिना छिलके वाला। और इसे अच्छे से मैंने 5-6 बार वॉश किया जब तक कि पानी बिल्कुल साफ़ नहीं हो गया, और भिगा के रख दिया था। और ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया था जो मैं ग्राइंडिंग करने के बाद उड़द दाल में डालूंगी, जिसमें धनिया, जीरा, हींग और कोकोनट है, कोकोनट फ्लेक्स थे मेरे पास, और काली मिर्च पाउडर। तो ये सारा जब हम ग्राइंड कर लेते हैं उसके बाद हमें मिक्स करना था हमारे उड़द के दाल में वड़े के लिए। तो ये देखिए, मैंने एक बैच जो है वो मैंने पीस लिया था, और कितना ये थिक बना है। इसमें बहुत ही कम पानी ऐड करना है जब इसे हम ग्राइंड करेंगे, और ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे मैंने भिगाया था, और उसके बाद मैंने ये ग्राइंड किया था इसको। और इस तरह से देखिए, मैं ग्राइंडिंग जार में ले रही हूँ बिना पानी के, और बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी कि जैसे ये ग्राइंड हो जाए। और बस हमें ग्राइंड करते वक्त जब ये हमको काफ़ी होल उड़द दिखेगा तो हम उसे मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे, और फिर से ग्राइंडिंग के लिए रख देंगे। थोड़ा सा एक बार चलाने के बाद में वो ऊपर नीचे हो जाने के बाद में वो फिर से अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो हमें पानी कम यूज़ करना है ग्राइंड करते वक्त। और ये लास्ट बैच में मैंने थोड़ा सा अदरक भी काट के डाल दिया था, तो जिससे अदरक का जो है वह फ्लेवर जो है पूरा अच्छे से वड़े में आ जाए। और अब ये जो बाकी के जो मैंने तैयारी करके रखा था, ग्रीन चिलीज, ब्लैक पेपर पाउडर, हींग, जीरा, काले मिर्च पाउडर और नारियल, इसमें हम फ्रेश नारियल भी बारीक बारीक टुकड़ा काट के डाल सकते हैं, बट मेरे पास कोकोनट फ्लेक्स थे तो मैंने वो डाल दिया। अच्छा टेस्ट आता है वड़े का अगर हमने इसमें हम सिर्फ चटनी से खाएंगे तो भी ये बहुत ही टेस्टी वड़ा लगेगा, इसलिए इसमें। और हींग डालना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद में देखिए, हमने क्योंकि पानी कम ही डाला था मिलाते वक्त, तो जब हमने सारा ग्राइंड कर लिया उसके बाद में उसे बहुत अच्छी तरह से मिलाना है, और ये मिलाते मिलाते जो ये बैटर है वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा, काफ़ी अच्छा एरेशन हो जाएगा इसमें। तो इसलिए हमें ट्राई करना है कि इसे अच्छे से, काफ़ी अच्छे से मिलाते जाना है, मिलाते जाना है। हाथ दुखने लगता है, बट थोड़ा ब्रेक ले लीजिए कि आप इसे अच्छे से मिलाइए, और बाद में थोड़ा नमक डाल के फिर से मिला लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा वड़ा जो है वो बनता है इससे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, पानी जो है मैंने लिया था, पानी से अपने हाथ दोनों भिगा लीजिए, और फिर बाद में वड़ा आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए अपने हाथ में, और इस तरह से उसे देखिए मूव करिए दोनों हाथों में, जिससे आपके हाथ में ये चिपकेगा नहीं वड़ा। और फिर बाद में हम इसे बीच में एक छोटा सा होल डिग करके तेल में हम फ्राई करेंगे, और तेल को देखना है कि तेल अच्छी तरह से गर्म रहे, कम गर्म ना रहे, अच्छा गर्म रहे तेल। और जब हम वड़ा उसमें ऐड करेंगे उसके बाद हम अपने तेल का फ्लेम जो है मीडियम कर दीजिए, और साथ में एक साथ में 4-5 वड़ा जितना आपकी कढ़ाई का कैपेसिटी है उतना आप डाल दीजिए, सो दैट हीट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो। और फिर हमारा वड़ा जो है वो सिकना शुरू हो जाए। अब ये जो फर्स्ट बैच होता है वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और क्योंकि हमारा जो कढ़ाई है, जो भी आप स्टील का या लोहे का कढ़ाई लेंगे, वो जो है फर्स्ट बैच में थोड़ा सा उसमें बेस पे चिपकता है वड़ा जाके, बट ये होने के बाद में जब सेकेंड बैच है तब तक हमारा कढ़ाई जो है अच्छी तरह से सीजन्ड हो जाएगा, उसके बाद ये चिपकेगा नहीं बेस में। और ये देखिए कितना अच्छे से जो है, सेकेंड बैच में फिर से मैंने वड़ा डाला, और तेल का टेम्परेचर जो है वो मीडियम ही मैंने रखा था, बहुत हाई नहीं रखा था,
और ये बीच में वड़ा सांभर में स्पेशली हम जो बीच में ये होल करते हैं, क्योंकि उसका पर्पस भी अच्छा होता है कि ये बीच में सेंटर में भी अच्छी तरह से सिक जाए, और जब हम वड़ा और सांभर जब हम इसके ऊपर सांभर पोर करें तो वो अच्छे से बीच में भी सांभर जो है वो भीग जाए और वड़ा जो है वो अंदर तक सांभर में भीगा रहे और सॉफ्ट हो और खाने में ईजी हो जाए। तो ये पर्पस मोस्टली यही होता होगा साउथ इंडियंस जो ऐसे इस तरह का वड़ा बनाते हैं सेंटर में, मतलब एक होल रहता है जिससे वो अच्छी तरह से सिका रहे चारों तरफ से, अंदर से बाहर से। और ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा अच्छा वड़ा जो है रेडी हो रहा है, और मैंने सांभर का रेसिपी भी शूट किया है जो मैं अलग से बताऊंगी, एक ही में सारे दिखाने में काफ़ी लंबा रेसिपी हो जाता। और अगर किसी को सिर्फ सांभर का रेसिपी देखना है तो जिससे वो जाके बस सांभर का रेसिपी देखे, तो नेक्स्ट वीडियो सांभर का आएगा। बस ये जो देखिए हमारे वड़ा मेंदू वड़ा रेडी होते जा रहे हैं, और इसे हमने खाया था चटनी, नारियल की चटनी और सांभर के साथ में। बहुत ही टेस्टी मेंदू वड़ा सांभर रेडी हुआ था, और आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस सांभर और दही वड़ा नहीं बनाना है तो बस ऐसे वड़े ही सिर्फ नॉर्मल चटनी, ग्रीन चटनी या कोकोनट चटनी के साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए हमारा मेंदू वड़ा सांभर और नारियल की चटनी रेडी थी, और अब हम सेकेंड जो रेसिपी है वो देखेंगे कि मैंने चटनी कैसे बनाया था, ग्रीन चटनी जो मैंने दही वड़े में यूज़ किया था। ये मैंने कोरिएंडर धनिया ले लिया था, हरा धनिया अच्छा खासा 2 बंच था शायद हरा धनिया का, वो मैंने यूज़ किया था उसमें से। और ये ग्रीन चिलीज़ है, ये मेरे पास ग्रीन चिलीज़ उस समय इंडियन वाले नहीं थे, ये मैंने हैलपिनोस चिलीज़ लिया जो थोड़े से स्पाइसी होते हैं, बट बहुत ज़्यादा मेरे पास मिर्ची इस बार था ही नहीं तो मैंने थोड़ा सा जो भी हैलपिनोस था वो यूज़ किया। ये पुदीना है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कली जो है वो लहसुन यूज़ किया है, ये बीच में मैंने स्लाइस कर दिया था लहसुन को, तो ये सिर्फ एक ही कली लहसुन है। और इसमें मैं थोड़ा नमक डाल रही हूँ, और फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये नमक, क्योंकि धनिया ज़्यादा है तो दो मतलब इतना नमक डाला, थोड़ा सा 2 पिंच या 1 पिंच जो है ब्लैक सॉल्ट भी डाल देंगे, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें पुदीना है, हरा धनिया है, तो काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये हम डालेंगे इसमें शुगर, मीठा एक्चुअली अच्छा टेस्टी हो जाता है शुगर ऐड करने से ये। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और अब हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें दूसरा कुछ आइटम्स जो है वो डालेंगे। तो ये देखिए ग्राइंड हो गया, अब इसमें हमने ये स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला है, ये है गाठिया। कोई भी बेसन का नमकीन हो आपके पास में, सेव हो, गाठिया हो, या कोई भी ऐसे बेसन का कुछ नमकीन हो ना, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई फरसान हो वो बहुत टेस्टी होता है। और ये जो दुकान वाले होते हैं जो खमन ढोकला या फाफड़ा या इस तरह की जो रेसिपीज़ बेचते हैं, वो इस तरह से अपने ग्रीन चटनी में उन लोग बहुत बंच ऑफ गाठिया या उनके पास में जो बचा हुआ खमन होता है, खमन ढोकला, वो डाल देंगे अपनी चटनी में, उससे उनकी जो चटनी का टेक्सचर और टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। मुझे हमेशा से वो टेस्ट बहुत पसंद था, तो फिर मैंने आइडिया लगाया कि वो लोग इस तरह से उसमें बेसन का कोई भी आइटम ऐड करते हैं, गाठिया ऐड करते हैं। मैंने पूछा भी था एक बार किसी से, वो अपना सीक्रेट रेसिपी बताना नहीं चाहते थे, बट लाइक मैंने एक आइडिया लगा लिया कि वो ऐसे यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारे वड़ा थे मेंदू वड़ा, उसको बाद में मैंने थोड़े से मेंदू वड़े को मैंने ऐसे सिंपल मतलब सिंपल वड़े जैसा फ्राई कर लिया था और पानी में सोक करके रख दिया था, और बाद में पानी स्क्वीज़ करके ये देखिए मैंने दही ऐड किया है ऊपर से। दही में मैंने शक्कर मिला दिया था, अच्छे से फेंट दिया था, और दही उस स्क्वीज़ किए हुए वड़े के ऊपर मैंने डाल दिया है। और फिर इसमें मैंने स्प्रिंकल किया है जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये इमली की चटनी, जो इमली और डेट्स की चटनी होती, खजूर की चटनी, वो मैं हमेशा अपने पास रेडी ही रखती हूँ घर का बना हुआ। और ये वो है ग्रीन चटनी जो मैंने उसके ऊपर से पोर किया था, और ये हमारा एकदम मस्त चिल्ड दही वड़ा रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा दही वड़ा था ये, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई है, और आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, सी यू सून, बाय।